तालीमी निज़ाम हमारा लॉर्ड मैकाले का लिखा हुआ है 1835 का, ये जो कानून है जिन्होंने हमें जकड़ के रखा हुआ है, गुलाम बना के रखा हुआ है, आपने उस कानून से टक्कर तो ले ली है, लेकिन उसको तब्दील कौन करेगा? इंशाल्लाह ताला दो तिहाई नहीं, आपने मजबूरी शो की कि हम मुश्किल में है, तो ये जो नौजवान है ये मीडिया है, ये आपके पीछे परसू रहेगा, जब तक आप तब्दील नहीं करेंगे इस नौजवान मीडिया आपके पीछे रहेगा। दुनिया की तारीफ जो है। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, आपने बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की और जिस तरह यूथ की, आवाम की, पीटीआई को सपोर्ट है, उम्मीद है कि खान साहब दोबारा पावर में आएंगे, तो ये जो कानून है 1870 का, जिस कानून के तहत आपके ऊपर भी पर्चा किया गया, शबाद गिल पे किया गया, फवाद चौधरी पे किया गया, बहुत सारे साफी को उठाया गया, इमरान खान रियाज बार बार उसी शिक के तहत अंदर आते हैं, क्या उसको तब्दील करेंगे? देखिये वो कानून नहीं है, वो एक गैर कानूनी अमल है, वहशत है, जबर है, जुल्म है, और इंशाल्लाह ताला जुल्म की इस दीवार को, इस तारीख रात को खुदा के फजल से हम खत्म करेंगे। पाकिस्तान आज़ाद कौम की आवाजगाह होगा, कानून की हुक्मरानी होगी, अदल व इंसाफ होगा, उसी के लिए जंग हम लड़ रहे हैं। स्वाति साहब, चैक वगैरह का कहना था कि कब्रिस्तान में ऐसे लाखों लोगों की लाशें हैं जो सच कहने से डरते थे कि मौत आ जाएगी, आपने उस बात पे पूरा अमल किया, लेकिन वो ये बताएं कि ये जो 1835 के कानून है, 1866 के कानून है, चाहे रेलवे का है, अदलिया का है, नहरी निज़ाम है, हमारा माशी निज़ाम 1775 का बना हुआ है, सियासी निज़ाम हमारा लॉर्ड मैकाले का लिखा हुआ है 1475 का, इस तरह समाजी निज़ाम हमारा रोसो का लिखा हुआ है, तालीमी निज़ाम हमारा लॉर्ड मैकाले का लिखा हुआ है 1835 का, ये जो कानून है जिन्होंने हमें जकड़ के रखा हुआ है, गुलाम बना के रखा हुआ है, आपने उस कानून से टक्कर तो ले ली है, लेकिन उसको तब्दील कौन करेगा? इंशाल्लाह ताला दो तिहाई नहीं, इस तरह तीन चौथाई अक्सरियत खुदा के वजह से लेके आएंगे इंशाल्लाह। आज इमरान खान खुदा के हुक्म से लोगों के दिलों पे हुकूमत करता है, और जिस अक्सरियत से जीतेगा उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, उसी जीत से खुदा के फजल से ये सारे गुलामी के कानून और गुलामी की जंजीरें टूटेगी और पाकिस्तान अपनी हकीकी आज़ादी की तरफ जाएगा। आज यूथ, मेरी जिंदगी तो अब ढलती हुई छांव है जी जी, लेकिन ये यूथ जो है, जो नौजवान है, वो इंशाल्लाह ताला आज़ाद पाकिस्तान के अंदर, खुद मुख्तियार पाकिस्तान के अंदर अपनी जिंदगी को उस खुशहाली से जिसका ये अंदाजा आज नहीं कर सकते। आखिरी स्वाति साहब, आपको अल्लाह पाक कामयाब करे, आपकी जमात को कामयाब करे, आप कानून में तब्दीलियां करें, ये मुल्क हकीकी आज़ाद हो, और अगर आप वहाँ पार्लियामेंट में जाके आपने मजबूरी शो की कि हम मुश्किल में है, तो ये जो नौजवान है ये मीडिया है, ये आपके पीछे परसू रहेगा, जब तक आप तब्दील नहीं करेंगे इस नौजवान मीडिया आपके पीछे रहेगा। दुनिया की तारीख जो है एक बहादुर इंसान से हमेशा लिखी गई है। बिल्कुल, आज आपका बहादुर कप्तान इन नौजवानों का ख्वाब है जी जी। और उसकी ताबीर करना हमारा अवलीन फर्ज है। बिल्कुल, बेशक।